भारत, बांग्लादेश और म्यांमार की वो घटनाएं जिनके कारण एकजुट हो रहे कुकी, चिन और मिजो समुदाय जनवरी 1892 में ब्रिटिश भारत की तत्कालीन राजधानी कोलकाता में एक बेहद इम्पोर्टेंट अहम सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन बंगाल की उस समय के छोटे लाट साहब यानी लेफ्टिनेंट जनरल की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। इसका मुख्य मकसद यह तय करना था कि आने वाले दिनों में बंगाल, असम और बर्मा की सीमा से सटे पहाड़ी इलाके की प्रशासनिक रूपरेखा क्या होगी। उस इलाके में रहने वाले कुकी, चिन, लुसाई, कई लोग इनको कुकी, चिन, मिजो के नाम से भी जानते हैं, जाति समूह के साथ तब तक ब्रिटेन के 5 बार लड़ाई हो चुकी थी और कम से कम 3 और लड़ाइयाँ की जमीन तैयार हो रही थी, मतलब 8 बार युद्ध होना था। कलकत्ता के उस कुकी, चिन, लुसाई सम्मेलन में ही इस बात का फैसला किया गया था कि जिस विस्तृत इलाके में उस जनजाति समूह के लोग रहते हैं उन्हें 3 हिस्सों में बांट दिया जाए। क्या क्या? चिन हिल पर बर्मा, लुसाई हिल के दक्षिण हिस्से पर बंगाल और उत्तरी हिस्से पर असम का कंट्रोल रहेगा। यही कारण है कि कुकी, चिन और लुसाई तबके के जो लोग खुद को एक ही जाति समूह और सांस्कृतिक विरासत से जुड़े मानते हैं, उनको अलग अलग बंटवारे करके उनके बीच में बंटवारे की लकीर करीब 2.25 साल पहले खींच दी गई थी। ये सही नहीं था। कलकत्ता के उस कुकी, चिन, लुसाई सम्मेलन में ही इस बात का फैसला किया गया था कि जिस विस्तृत इलाके में उनका जाति समूह रहते हैं उन्हें डिवाइड किया जाएगा। यही कारण है कि इस टाइप के डिवीज़न से बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट हो गया। लेकिन इस समय ये लोग भारत में मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड के अलावा पड़ोसी देश म्यांमार के चिन स्टेट के चिन हिल्स और आसपास के इलाके और बांग्लादेश के पर्वती चटगांव इलाके में रहते हैं। यानी अब कुकी, चिन, लुसाई जनजाति का पारंपरिक निवास स्थान 3 देशों की सीमा में बढ़ चुका है। लेकिन बीते 2-2.5 वर्षों के दौरान इन इलाकों में ऐसी कई घटनाएं देखी गई हैं जिनसे तीनों देशों में बहुत सारी समस्याएं फैल रही हैं। इससे जो जनजाति के लोगों को एक दूसरे के करीब लाने की अहम भूमिका निभाई है, संयोगवश मिजोरम इन घटनाओं के केंद्र के तौर पर उभरा है। और आपको बता दें, सीरिया में क्या चल रहा है, गृह युद्ध, और वहाँ की जो सरकार है उससे रिलेटिव एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है आपको। ड्रग कारोबार पर रिपोर्ट के बाद सीरिया ने बीबीसी पत्रकारों की मान्यता ख़त्म की। सीरिया की सरकार ने बीबीसी पर पक्षपातपूर्ण और भ्रामक रिपोर्टें प्रसारित करने का आरोप लगाया। बीबीसी पत्रकारों की मान्यता खत्म कर दी है। सीरिया के सूचकांक मंत्रालय ने कहा है कि बीबीसी पेशेवर मानकों का पालन करने में नाकाम रहा है। हाल ही में ड्रग कारोबार पर की गई बीबीसी की एक रिपोर्ट में कैप्टकॉन ड्रग के कारोबार और राष्ट्रपति बशर अल असद के परिवार के बीच संबंध होने का दावा किया गया था। बीबीसी का कहना है कि यह निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता करता है। लेकिन बीबीसी के एक प्रवक्ता ने कहा कि तथ्यों को स्थापित करने के लिए हमें राजनीति के हर वर्ग से बातचीत की है। बीबीसी न्यूज अरबी में पिछले महीने एक खोजपूर्ण रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इस रिपोर्ट में कैप्टगोन ड्रग के कारोबार और सीरियाई सैन्य बलों के वरिष्ठ सदस्यों और असद के परिवार सदस्यों के बीच संबंध स्थापित किया गया था। कैप्टगोन एक एम्फाटामाइन ड्रग है जिसकी लत लग जाती है। सीरिया की सरकार इस ड्रग को कारोबार के आरोपों को पूरी तरीके से खारिज कर चुकी है। सैटेलाइट पूरे वर्ल्ड में हर एक कंट्री के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो सैटेलाइट की मदद से होते हैं। लेकिन यही सैटेलाइट्स की वजह से पृथ्वी पर खतरा हो सकता है। अगर किसी एक देश ने कोई गलती की तो ऊपर से बहुत सारी सैटेलाइट्स नीचे गिरेंगी और आने वाले टाइम में एक और ख़तरा मंडरा रहा है जिसे बोलते हैं स्पेस वॉर।
स्पेस पॉर में क्या होगा, एक दूसरे की सैटेलाइट्स को एंटी सैटेलाइट मिसाइल की वजह से फोड़ दिया जाएगा, ब्लास्ट कर दिया जाएगा, जिससे पृथ्वी पर आग के गोले गिरेंगे। जब रूस ने स्पेस में अपनी सैटेलाइट को उड़ाया था तो आप यकीन मानिए उससे लगभग 1500 डिग्रीज 300 किलोमीटर के दायरे में फैल गई थी। वहीं नासा के अनुसार इस विस्फोट ने लाखों छोटे छोटे कण अंतरिक्ष में बिखेर दिए थे। दुनिया भर के सभी बड़े देश जैसे भारत, रूस, चाइना, यूएसए सब स्पेस टेक्नोलॉजी में खुद को किंग साबित करने की दौड़ में शामिल हो गए हैं। यही वजह है कि अब अमेरिका और रूस जैसे देश सैटेलाइट्स की मदद से अपनी स्पेस पावर को इंक्रीज कर रहे हैं। हालांकि ये काफ़ी डेंजरस है क्योंकि ये सैटेलाइट पृथ्वी के ऊपर मौत की तरह मंडरा रहे हैं। किसी भी देश की एक गलती और मौत रूपी सैटेलाइट्स आग के गोले में तब्दील हो जाएगी और पूरे पृथ्वी पर बरसने लगेंगे ये सारे सैटेलाइट्स। ये सवाल कैसे आया दिमाग में, क्या इसका रीजन है? ये सवाल काफ़ी समय से उठ रहा है, लेकिन नवंबर 2021 में रूस ने कुछ ऐसा किया था कि सब हैरान हो गए थे। दरअसल रूस ने अपनी एक मिलिट्री सैटेलाइट को ध्वस्त करने के लिए एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल का यूज किया और उसे मार गिराया। जैसे ही मिसाइल सैटेलाइट से टकराई, सैटेलाइट में विस्फोट हुआ, ब्लास्ट हुआ और उसके कई टुकड़े अंतरिक्ष में बिखर गए। क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी का असर कम होता है इसलिए वो फैल गए और चक्कर लगा रहा है। ये काफ़ी ख़तरनाक था और इससे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को भी काफ़ी नुकसान हो सकता था। रूस के इस कदम ने ये दिखा दिया कि अगर भविष्य में कभी भी स्पेस वॉर हुई। साइंस अलर्ट पर छपी खबर के मुताबिक जब रूस ने स्पेस में अपनी सैटेलाइट को उड़ाया था तो उससे लगभग 1500 डेब्रीज मतलब स्पेस में कचरा 300 किलोमीटर के दायरे में फैल गया था। वहीं नासा के अनुसार इस विस्फोट ने लाखों ऐसे छोटे छोटे कण अंतरिक्ष में बिखेर दिए थे जो लंबे समय तक स्पेस में तैरती रहेंगे। यूएस स्पेस कमांडर के आर्मी जनरल जेम्स का मानना है कि इस तरह की हरकत बेहद बचकाना है, इससे पूरी दुनिया मुसीबत में पड़ सकती है। दरअसल अगर इस सैटेलाइट के टुकड़े दूसरे सैटेलाइटों से टकराते हैं तो भारी नुकसान हो सकता है। ना सिर्फ इस सैटेलाइट प्रभावित होता है बल्कि पूरी मानव सभ्यता उससे प्रभावित हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आजकल दुनिया में ज़्यादातर चीज़ें, खासकर कम्युनिकेशन की चीज़ें, सैटेलाइट्स से ही ऑपरेट होती हैं और वो जब प्रभावित होती हैं, इफेक्ट होती हैं तो